नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा की तिथि बढ़ी। अब प्रारंभिक परीक्षा 16 और 23 को मुख्य परीक्षा होगी। छात्र छात्राओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा की तिथि को बढ़ा दी गई है। अब प्रारंभिक परीक्षा 16 जनवरी और मुख्य परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी गोल्ड इंस्टीट्यूट की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर ममता सिंह ने दी है। वहीं उन्होंने गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा के महत्व को भी बताया है। गोल्ड इंस्टीट्यूट की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर ममता सिंह ने बताया कि पिछले 11 वर्षों गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा के द्वारा लाखों छात्रों में प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जागरूकता आई है। इसके जरिए सैकड़ों छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं सिविल सर्विसेज जैसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। गोल्ड टैलेंट सर्च परीक्षा उन सफल छात्रों के लिए उपयोगी साबित हुआ है। डॉक्टर ममता सिंह ने कहा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयोजित की जा रही इस परीक्षा के जरिए छात्रों को हजारों टैलेंटेड छात्रों के बीच रैंक एवं अपना पोजीशन जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें और बेहतर करने का मौका मिलता है। नवादा बन गया है नया जामताड़ा। साइबर क्राइम करने वाले 17 अपराधी गिरफ्तार। गिरोह का सरगना निकला नवनिर्वाचित मुखिया। नवादा बिहार का नया जामताड़ा बनता जा रहा है। दरअसल यहां साइबर अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बीच नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ नवादा पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान को अब नतीजा लोगों के सामने निकल कर आने लगा है। नवादा पुलिस ने एक साथ कुल 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चकवाय गांव से नवादा पुलिस के द्वारा गठित टीम ने कुल 17 साइबर अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से साइबर अपराध से जुड़े कई सामग्रियां बरामद हुई है। नवादा एसपी डीएस सावला राम ने वारसलीगंज थाने में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम को 1,35,716 रुपये नगद, 9 बैंक पासबुक, 10 मोबाइल, 5 एटीएम, 1 चेकबुक, 1 आधार कार्ड और अलग अलग कंपनियों के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वहीं गिरोह के कुछ सदस्य अभी फरार हैं। गिरोह का मुख्य सरगना वारसलीगंज प्रखंड का एक नवनिर्वाचित मुखिया है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नए सिरे से हलफनामा दायर करने का निर्देश। 2022 में अगली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के समक्ष राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई हालात के संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य द्वारा जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि अगली सुनवाई में राज्य के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों के संबंध में पूरा ब्यौरा बुकलेट के रूप में पेश करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में विरोधाभासी तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। बता दें कि आज इस मामले की ऑनलाइन सुनवाई हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य भर के सभी जिलों के अस्पतालों से पूरी जानकारियां लेकर उन्हें बुकलेट के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दायर विरोधाभासी हलफनामा पर पिछली सुनवाई में ऑनलाइन उपस्थित हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर सचिव अमृत प्रत्यय ने खेद जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई में विस्तृत और पूरे विवरण के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा। 86 साल बाद निर्मली रेलखंड पर आसनपुर कुपहा के बीच दौड़ेगी ट्रेन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना हो रहा है साकार। 1934 का भूकंप में दो भागों में विभक्त मिथिलांचल आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देखे हुए सपने से जुड़ रहा है। आज 86 साल बाद सुपौल के निर्मली और आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन का CRS होने जा रहा है। इलाके के लोग 86 साल बाद अपने इलाके में ट्रेन की सीटी सुनेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देखे हुए अपने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के कारण आज यह सपना साकार हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अहम योगदान है। 6 जून 2003 को रखी गई आधारशिला पर अब आज से ट्रेन दौड़ेंगे तो इलाके के लोगों की खुशी दोगुनी हो जाएगी। सरायगढ़ निर्मली रेलखंड पर आसनपुर कुपहा से निर्मली तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होते ही आज रेलवे द्वारा ट्रेन का स्पीड ट्रायल कराया जाएगा। स्पीड ट्रायल
के साथ ही निर्मली से सरायगढ़ के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ने लगी है। स्पीड ट्रायल को लेकर विगत एक महीने से रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा था। खाद की समस्या को लेकर अधिकारियों ने चलाया छापेमारी अभियान। दो दुकानों पर की गई रैंडम जांच। कैमूर में खाद को लेकर कुदरा प्रखंड के दो दुकानों पर छापेमारी की गई। मोहनिया के एसडीएम राहुल कुमार, डीएसपी फैज अहमद खान, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुदरा ठाकुर प्रसाद और अंचलाधिकारी कुदरा द्वारा यह छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें दो दुकानों का रैंडम जांच हुआ। दुकानों पर मौजूद किसानों से कालाबाजारी को लेकर पूछताछ हुआ। फिलहाल इन यहां कोई अनियमितता नहीं मिली है। स्टॉक पोस्ट मशीन में उपलब्धता और रजिस्टर में उपलब्धता की जांच भी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहनिया एसडीएम राहुल कुमार ने बताया कि खाद की परेशानी को देखते हुए कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर कुदरा प्रखंड क्षेत्र के दो दुकानों पर रैंडम छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान दुकान पर मौजूद किसानों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली है। वहीं दुकानदारों के गोदाम में खाद की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर और पॉस मशीन का भी मिलान किया गया, जहां कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि उपलब्धता के आधार पर स्टॉक दिखाया जा रहा है। अगर कोई भी दुकानदार खाद की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन उपलब्धता को लेकर गंभीर है। आज नहीं हो सकेगा मुंगेर गंगा सड़क ब्रिज का उद्घाटन। 18 साल लंबे इंतजार के बाद भी अधूरा रह गया काम। मुंगेर वासियों के लिए निराश करने वाली खबर है। आज के दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुंगेर जिले में गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन होना था, लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि उद्घाटन कार्यक्रम को टाल दिया गया है। दरअसल इसके निर्माण का काम अभी काफी बचा हुआ है। NH 31 खगड़िया की ओर से मुंगेर जाने के लिए शुरू हुए पुल निर्माण के हिस्से में 650 मीटर पर दो स्पैन में ढलाई का काम गुरुवार के दिन तक नहीं हो पाया था। दोनों गार्डर पर फैब्रिकेटेड स्टील स्लैब चढ़ाने के बाद उसे पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है। इसके बीच ढलाई को लेकर लोहे के चदरा को भी लगाया गया है। हालांकि देर रात ढलाई होने की बात कही जा रही है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला था। इसी दिन मुंगेर में गंगा नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन होना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका उद्घाटन करना था। इसका सीधा फायदा बिहार के कई जिलों को एक साथ होगा। SC ST से जुड़े मामलों पर सख्त हुए CM नीतीश, कहा 60 दिन के भीतर दर्ज हो चार्जशीट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक की। बैठक में SC ST से जुड़े मुकदमों के हर पहलू की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि DGP सभी SP के साथ लंबित कांडों के अनुसंधान को एक महीने से कम में एक बार जरूर समीक्षा करें, ताकि मामलों का निष्पादन तेजी से हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल हो, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ा टास्क सौंपा है। उन्होंने DGP SK सिंघल से कहा कि SC ST से जुड़े लंबित मुकदमों का 60 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि SC ST के मुकदमों की सुनवाई के लिए 9 विशेष अदालतें जल्द बने। दरभंगा ब्लास्ट केस में 5 के खिलाफ चार्जशीट। लश्कर ने रची थी पार्सल ब्लास्ट की साजिश। 17 जून 2021 को पार्सल ब्लास्ट के जरिए दरभंगा स्टेशन को दहलाने की साजिश हुई थी। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले में अब 5 NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। NIA कोर्ट में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट से अभी बात साफ हो गई है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट की साजिश लश्कर जैसे आतंकी संगठनों ने रची थी। आपको बता दें कि 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था। बाद में खुलासा हुआ था कि पार्सल में रखे एक छोटी सीसी में विस्फोटक भरा हुआ था और इसके जरिए बड़ी साजिश की तैयारी थी। बिहार में 409 राजस्व अधिकारियों को मिला पोस्टिंग, विभाग ने जारी किया आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 409 राजस्व अधिकारियों को विभिन्न अंचलों में पदस्थापित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राजस्व विभाग ने राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नवनियुक्त अधिकारियों को विभिन्न अंचल कार्यालय में योगदान देने को कहा है।
बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल, सासाराम में कारगर, खगड़िया में पाया गया मेन सप्लाई चेन में लीकेज। बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सासाराम के सदर अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मेडिकल कॉलेजों एवं सदर अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सासाराम के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है, जिसका सफल मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की कैपेसिटी की भी जाँच की गयी और सभी मशीनें ठीक पाई गयी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि संयंत्र पूरी तरह से कारगर है और सामान्य तरह से प्रतिक्रिया भी कर रही है। वहीं खगड़िया सदर अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में सप्लाई चेन का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की मेन सप्लाई चेन में ही लीकेज पाया गया। फिर तो ऑक्सीजन प्लांट की वायरिंग करने वाले इंजीनियरों के पसीने छूट गए। इंजीनियर आनन फानन में उसकी मरम्मत में जुट गए। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।